स्पीति शिक्षा खंड काजा के बच्चों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्म दिवस के मौके पर उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार सुने। सुबह 9 बजे स्पीति शिक्षा खंड काजा के 15 मेधावी विद्यार्थी सीधा संवाद करने के लिए 1 फीट बर्फ के बीच चलते हुए पहुंचे। बच्चों में काफी उत्साह था। पहली बार स्पीति के बच्चे मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने जा रहे थे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की और निरंतर पढ़ाई करते रहने की सलाह दी। छात्र अपने लक्ष्य को लेकर कड़ी मेहनत करें। तकनीकी कारणों की वजह से स्पीति शिक्षा खंड काजा के बच्चे मुख्यमंत्री से संवाद नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अन्य विद्यार्थियों के साथ हुए संवाद को पूरा सुना और देखा। इसके बाद बच्चों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस के मौके पर बधाई संदेश देते हुए स्वस्थ जीवन की कामना की और कहा कि स्पीति में ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन में हर घर पाठशाला अभियान के तहत स्पीति के बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो पाई है। बच्चों को घर पर पाठ्य सामग्री पहुंच जाती थी। स्पीति के बच्चों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि यहां पर स्कूल तुरंत खोल दिए जाएं ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से हो पाए। इसके साथ ही हॉस्टल भी खोला जाए ताकि बच्चे हॉस्टल में रह सकें। कई बच्चे हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। सरकारी हॉस्टल से स्पीति के बच्चों को काफ़ी सुविधा मिलती है। यहाँ पर बच्चे कोविड के नियमों का पालन सख्ती से करते हैं। इस मौके पर मेधावी बच्चे विशेष तौर पर मौजूद रहे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear CM sir, happy birthday to you. जुले सर, सबसे पहले तो हम स्पीति वासियों की तरफ से आपको आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी हार्दिक बधाइयां। सर, हमारे यहाँ नेटवर्क इश्यूज होने के कारण जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस थे वो नहीं लग पाते हैं, तो हमारे शिक्षा विभाग के थ्रू हमारे घरों में शिक्षण सामग्री वगैरह भेजे जाते थे, जिसका हमें भरपूर फायदा हुआ। और परंतु कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें समझ में नहीं आता था, तो वो हम अपने टीचर्स वगैरह से डायरेक्ट नहीं पूछ पाते थे। और हमारे जो शिक्षण सामग्री के नीचे हमारे शिक्षकों के नंबर्स भी दिए जाते थे, तो हम उस पर कॉल भी कर सकते थे, परंतु हमारे वहाँ नेटवर्क इश्यूज होने के कारण हमें सबसे पहले तो नेटवर्क एरिया में जाना पड़ता था, फिर वहाँ जाके टीचर्स को कॉल करना पड़ता था, तो इससे काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। परंतु सर, इस कोरोना काल में भी हमने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे शिक्षा विभाग द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए गए। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि स्पीति में इतने सारे कोरोना केसेस भी नहीं है, तो यहाँ पे जल्द से जल्द स्कूल वगैरह खोल दिए जाए। हम सारे सुबह से ही आपसे बात करने के लिए इतने उत्सुक थे कि हम 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम सारे, बर्फ भी पड़ रही थी फिर भी हम सारे यहाँ पहुँच गए थे, परंतु किसी कारणवश आपसे बात नहीं हो पाई। तो बस हम सभी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिए जाए। और स्पीति में तो बर्फ पड़ गई है और यहाँ कोई ना आ सकता है और ना ही जा सकता है, तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द स्कूल खोल दिया जाए ताकि हम अपने टीचर से भी मिल सके और हमारी अपनी पढ़ाई अच्छे से हम जारी कर सके। धन्यवाद सर। कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।